पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने एक और मेडल लिया है। मनु भाकर को एक और ब्रॉन्ज मिला है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, लगातार मेडल, दूसरा मेडल हरियाणा की बेटी, ये हमारे सबके लिए, देशवासियों के लिए और विशेष तौर पर हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारी बेटी मनु भाकर ने देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। पूरी दुनिया के अंदर तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और ये अक्सर देखने में आया है, जब जब भी कहीं भारत के ऊपर कोई चिंता हुई है या भारत को कभी मेडल की आवश्यकता हुई है, वो हमारी बेटियों ने उसका काम पूरा किया है। ऐसे ही पीवी सिंधु, साक्षी मलिक एक ओलंपिक्स के अंदर थी, वो दोनों मेडल जीत करके आई थी। आज मनु भाकर ने दूसरा मेडल जीता है, ये हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और भी बहुत से खिलाड़ी हैं सर हरियाणा के, उनके लिए सर किस तरह की? सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी अपना बेस्ट दे करके, अपना परिश्रम करके देश का मान और सम्मान उज्जवल करें, ऊंचा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि मनु भाकर ने देश ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी नाम ऊंचा किया है। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र हंस के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।